और इसी बीच संगरूर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संगरूर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है संगरूर में, जहां पर भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर, कार सवार 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। संगरूर के सुनाम में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी 2 टैंकरों के बीच में फंस गई थी। मलेर कोटला से माथा टेक कर सुनाम वापस जा रहे थे कार सवार, तो संगरूर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी के सभी 6 लोग कार में सवार थे, 2 टैंकरों के बीच में ये गाड़ी फंस गई और सभी 6 कार सवारों की इसमें मौत हो गई है। तो बेहद दर्दनाक हादसा ये जो कि संगरूर में हुआ है, और तस्वीरें दिल दहला देने वाली, किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं देखा जा सकता है। वो गाड़ी जो 2 टैंकरों के बीच में फंस गई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कहीं से भी देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी है। और आइए सीधे करेंगे अपने संवाददाता नकुल शर्मा का। नकुल, कब हुआ है ये हादसा, क्या जानकारी है, क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो बहुत ही भयावह है। जी बिल्कुल, ये आज सुबह की घटना है, जब संगरूर में भयानक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मलेर कोटला से माथा टेक कर सुनाम वापिस जा रहे थे ये कार सवार, और सुनाम के से कुछ किलोमीटर पहले ही ये हादसा हुआ है, और कार में बैठे 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। और पटियाला सुनाम रोड पे 2 टैंकरों के बीच में ये गाड़ी फंसी थी, और एक्सीडेंट देख के पता नहीं चल रहा था कि 2 टैंकरों के बीच में गाड़ी जो फंसी है। और पहले जो गाड़ी का एक्सीडेंट एक जो टैंकर के साथ हुआ, और पीछे से जब दूसरा टैंकर आया तो उसने उस गाड़ी को दोबारा से टक्कर मारी। हालांकि अभी लाशों को जो संगरूर के ही सिविल हॉस्पिटल में रखवाया गया है, जहां पे इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, और उसके बाद जो लाशों को जो शवों को जो परिजनों के हवाले किया जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच शुरू कर दी है, और टैंकर जो सवार थे, ड्राइवर थे, वो मौके से फरार हो गए। उनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गाड़ी में कौन लोग सवार थे, कहां के रहने वाले थे, उनकी पहचान हो पाई है क्या? बिल्कुल, ये जो गाड़ी में सवार थे ये पटियाला के रहने वाले थे, जो सुनाम के नजदीक जो माथा टेकने गुरुद्वारा में माथा टेक के वापिस आ रहे थे। और जो सर्दी में कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि कोहरा हाईवे पे ज्यादा था, जिस वजह से टैंकर सवार को जो गाड़ी नजर नहीं आई, और उस वजह से ये हादसा हुआ है। अभी पुलिस ने मौके पर पहुंच के चश्मदीदों के बयान भी जो दर्ज किए जा रहे हैं, और जो भी कार्रवाई हुई वो मामला जरूर दर्ज कर लिया है, और टैंकर सवारों को। नकुल, एक ही परिवार के लोग थे और इसमें क्या महिलाएं और बच्चे भी थे? जी बिल्कुल, जो अभी तक सामने आया है कि एक ही परिवार के लोग थे, और 3 जो लड़के जिनकी उम्र करीब 18 साल थी जिनकी मौत हुई है, और बाकी उनके बड़े बुजुर्ग इस गाड़ी में सवार थे। इस मामले में जो सारी जानकारी अभी तक हम जुटा पाए हैं उसमें ये सारे एक ही परिवार के थे, और इसमें उनके रिश्तेदार भी या कितने थे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये अभी जांच का विषय है, इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। ठीक है नकुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बहुत ही भीषण दर्दनाक ये हादसा, तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। नंबर प्लेट जो गाड़ी की है वो अलग पड़ी हुई है, और गाड़ी इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कि पूरी तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। कहीं से भी कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि कभी ये एक गाड़ी की शक्ल में ढांक